सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फोटो का व्हाट्सअप स्टिकर बना सकते हैं और अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये व्हाट्सअप पे एक नया फीचर आया है और इसके लिए आपके पास अगर व्हाट्सअप का पुराना वर्जन है तो आप उसे पहले अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने फोटो का व्हाट्सअप स्टिकर बनाना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसे व्हाट्सअप पर सेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे अपने फोटो का व्हाट्सअप स्टिकर बनाएंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक ऐप को अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेज़र। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है बैकग्राउंड इरेज़र और यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज़र का ये ऐप आपको इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक कोई भी अपना फ़ोटो लोड करना है जो कि आप यहाँ पे जो फ़ोटो आप बनाना चाहते हैं जिसका आप स्टिकर बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लोड कर लिया। इसके बाद आपको इसका बैकग्राउंड को इरेज़ करना है, तो आप इस तरह से इसके बैकग्राउंड को यहाँ पे इरेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज़ कर रहा हूँ जिसका मुझे स्टिकर बनाना है, जिस फ़ोटो का व्हाट्सएप के लिए स्टिकर बनाना है। तो इस तरह से आप जो है फ़ोटो को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इरेज हो चुका है, अब हम इसे डन पे क्लिक करते हैं और इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो ये फ़ोटो हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब जो है हमें अब फिर प्ले स्टोर में आना है, यहाँ से आपको फिर दोबारा प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे आपको और एक ऐप इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। तो आपको इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो स्टिकर वहाँ पे बनाया था बैकग्राउंड इरेजर से, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन स्टिकर बनाए थे क्योंकि आपको आपको तीन ही स्टिकर बनाने हैं और इस तीनों स्टिकर को आपको ऐड पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है। तो आपको जो है तीन स्टिकर पहले उस ऐप से बनाने पड़ेंगे तो ही आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप में ऐड हो चुका है, अब हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वो स्टिकर यहाँ पे आया है नहीं। तो सबसे पहले स्टिकर के ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी स्टिकर्स बनाए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं और जो है मैं अब इसे किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा फ़ोटो का यहाँ पे इमेज बन चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फ़ोटो का व्हाट्सएप के लिए स्टिकर बना सकते। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि आप किस तरह से बड़ी आसानी से जो है अपने फ़ोटो का व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।